सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बेसिक नॉलेज। आपका इस वीडियो में स्वागत है। सो आज अंकल बिना सब्जी लेके घर वापस आ रहे हैं। आंटी ने उनको सब्जी लेने गया था लेकिन बारिश हो गई तो उस कारण से बिना सब्जी ले वापस आ रहे हैं। अब अंकल को आंटी से भगवान बचाए। ये है हमारी पिंकी और पिंकी हमारी बारिश में बहुत मज़े कर रही है जैसे हम करते थे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग किस तरीके से अपने इंजॉय करते थे। ओके, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हाउ इज रेन फॉर्म्ड, बारिश कैसे होती है। तो उसको समझने के लिए तीन मेन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें से पहला है इवेपोरेशन, दूसरा है कंडेंसेशन एंड तीसरा है प्रेसिपिटेशन। पहला है कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन हम कह सकते हैं कि सिंपली जो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये रहा हमारा एक पतीला और ये आग पे जला हुआ है, मतलब आग इसके नीचे लगी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर बन रही है चाय। ओके, अगर किसी घर में चाय नहीं बनती तो वाटर ही गर्म हो रहा है, क्योंकि सब डाइट कॉन्शियस तो नहीं होते। किसी घर में चाय बनती है तो किसी घर में पानी बनता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी चाय गर्म हो रही है या पानी गर्म हो रहा है तो इसके ऊपर जो हमने कवर करने के लिए ऊपर जो प्लेट रखी होती है, ढक्कन रखा होता है, तो नोटिस किया होगा कि इसके ऊपर पानी आ जाता है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि पानी कहाँ से आता है। तो जब हमारा जो पानी है वो गर्म हो रहा होता है क्योंकि नीचे आग लगी हुई है, तो क्या होता है कि जो पानी है जो कि लिक्विड स्टेज में है, तो ये जो पानी है ये भाप बन जाता है और भाप बन के ऊपर इस ढक्कन में सेट हो जाता है। ठीक है, तो अब जो था उस टाइम पे क्या होता है कि जो पानी गर्म हो रहा होता है तो उस वजह से वो लिक्विड स्टेज से कन्वर्ट होके गैसीय स्टेज में बन जाता है। और जब वो ढक्कन से टकराता है तो ढक्कन का जो टेम्परेचर है वो हमारा वाटर से जो है वो कम होता है, इसीलिए जो गैसीय स्टेज का जो वाटर था वो फिर से लिक्विड बन जाता है और ऊपर हमें पानी देखने को मिलता है। तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि जब पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, भाप के फॉर्म में बनता है, तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब जैसे आप जानते हैं हमारी जो धरती है 70% वाटर से कवर्ड है। ठीक है, तो क्या होता है हमारी हीट जो हमारे सन से हमारी मिलती है, तो इतना सारा वाटर है हमारे अर्थ पे, कुछ सीस में है, कुछ ओशंस में है, रिवर्स में है, लेक्स पॉन्ड्स में है, और ऐसे भी मॉइस्चर तो हमारे अर्थ पे है ही है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन सन की हीट की वजह से जो वाटर है ये वेपर के फॉर्म में, ये जो है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और राइज अप करता जाता है। अभी राइज कहाँ अप करेगा, ये हमारे स्काई जो हमारा जो आसमान है उसमें एकदम टॉप में जाता रहता है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे वैसे जो है हमारा टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि हमारा जो अबव जो हमारा एटमोसफेयर है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अब जैसे जैसे जो हमारा वेपर है वो हवा में ऊपर पर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होते जाएगा, और ऊपर आपको पता है बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। उस कारण क्या होता है कि ये जो वेपर है ये अब क्लाउड्स का फॉर्म लेना शुरू करते हैं। अब इसमें डस्ट पार्टिकल्स और जो गैसियस हैं हमारे जितने भी एटमॉस्फेयर में, तो वो हेल्प करती हैं वेपर्स का, और ये अपने आप को क्लाउड्स के शेप में बनाने लगती हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ की एक कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को होल्ड करने की। ठीक है ना, तो वैसे ही क्लाउड्स, जब ये क्लाउड्स बनते हैं तो इनके अंदर पानी स्टोर होता जाता है। तो अब जब इन क्लाउड्स की जो कैपेसिटी है बहुत भर जाती है, ठीक है, तो बहुत भर जाती है और नहीं सूख सकती, तब उसके बाद क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन, मतलब कि उस पानी को ही नीचे बिखेर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बारिश होती है, तो अब वही जब ये जो वेपर है, जो ये भाप है, जब आसमान में जाती है तो ठंडी हवाएं और डिक्रीज टेम्परेचर इस भाप को, इस वेपर को बादलों का शेप देने लगती है, और इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब ये वेपर जो है वो बादल के शेप में कन्वर्ट होते हैं, इनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब जैसे मैंने बताया कि ये कैपेसिटी होती है उसको होल्ड करने की, तो जब ये कैपेसिटी फुल हो जाती है तो अपने जो बादल जो है वो इस वाटर को रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, हेलस्टॉर्म की फॉर्म में अर्थ वालों को वापस देता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब वो रेन की फॉर्म में होगा या स्नो की फॉर्म में या हेलस्टॉर्म की फॉर्म में, तो वो टेम्परेचर और जो है क्लाइमेट और जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। ज़्यादातर जो प्लेन एरिया से होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर रेन होती है, और कभी कभार जब ज़्यादा ठंड होती है तो हेल स्टॉर्म भी मिलते हैं, लेकिन जैसे लद्दाख हो गए, कश्मीर एरिया वाले हो गए, तो यहाँ पे स्नो मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उस वजह से जो पानी है वो स्नो की फॉर्म में गिरता है, ना कि रेन की फॉर्म में। तो ये अलग अलग रीज़न होते हैं प्रेसिपिटेशन के, लेकिन इन तीनों को ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो माना ये जाता है, मतलब सिंपल ये है कि प्रेसिपिटेशन मतलब जब आसमान से, जब बादलों के द्वारा पानी जो है वो
नीचे को आता है, नीचे को गिरता है धरती वालों को, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, तो इसे ही अपने लैंग्वेज में सिंपल हम कहते हैं वाटर साइकिल, भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि हमारे सूर्य चाचू और ये इस समुद्र के पानी को कर रहे हैं गर्म, और जब ये पानी गर्म हो रहा है तो वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में कर रहा है राइज अप। ठीक है, अब जब ये राइज अप कर रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर ने बताया आसमान में होता है कम और ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं। उस वजह से जो पानी है कुछ डस्ट पार्टिकल और कुछ गैसेस की हेल्प से कि अपने आप को क्लाउड का शेप देती हैं, क्लाउड बनाती हैं। और जब ये क्लाउड्स की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपने आप को अच्छा खासा पानी उन्हें सोख कर लिया है, अब और नहीं सोख कर सकते, तो ये रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में और हेलस्टॉर्म की फॉर्म में अपने इस पानी को नीचे धरती वालों को देते हैं, और इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।